बार महात्मा बुद्ध जी दे कोल एक व्यक्ति आया अते कहन लगा, तथागत ना मैं आत्मा नु मंदा हां अते ना ही परमात्मा नु, मेरे लिए आपदा की उपदेश है? तथागत ने कहा, तेरे मनन जा ना मनन नाल सच नहीं बदलेगा। जेकर आत्मा दी होंद ना हुंदी ता तेरी होंद भी ना हुंदी, जेकर परमात्मा ना हुंदा ता ये सृष्टि भी ना हुंदी। जाओ अते जाके शास्त्रां दा अभ्यास करो, उस परमात्मा दी खोज करो, तेनू परमात्मा दी प्राप्ति जरूर होवेगी। महात्मा बुद्ध जी नू नमस्कार करके ओ व्यक्ति वापिस चला गया। उस तो बाद एक व्यक्ति होर आया अते कहन लगा, हे प्रभु, मैं आत्मा अते परमात्मा दी होंद विच विश्वास रखता हां, मेरे लिए आपदा की उपदेश है? महात्मा बुद्ध जी कठोर शब्दों विच कहन लगे, तेनू किसने कहा है कि आत्मा परमात्मा दी होंद है? मैं किसे भगवान दी होंद नहीं मानता। किथे रहिंदा है भगवान? कि कदे किसे ने उसनू देखिया है? जाओ पहला उसकी होंद दा प्रमाण लेके आओ। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, उसदियां अखां विचों श्रद्धा भाव दे हंझू बह रहे सन, शीश झुकिया होया सी। ओह कंबदे हुए कहन लगा, हे प्रभु, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हाँ, मैनू कुछ नहीं पता आत्मा अते परमात्मा की है। मैं सिर्फ इन्ना ही जानता हाँ कि मैं बहुत अशांत हाँ, इसलिए मैं शांति चाहता हाँ, कृपा करके मेरी प्यास शांत करो। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, पुत्र तू कल आ जावे, मैं तेनू ज्ञान प्रदान करांगा। हुन महात्मा बुद्ध जी ने तीन व्यक्तियों नू तीन उपदेश दिते, सधारण बुद्धि नाल देखन अते ए सारे उपदेश एक दूजे नू कट दे नजर आउंदे हन। पहले व्यक्ति दे सवाल करन समय जिहड़ा व्यक्ति उत्थे बैठे होणगे, उन्हां ने महात्मा बुद्ध जी नू आत्मा परमात्मा दा समर्थक समझिया होवेगा। दूसरे व्यक्ति दे समय बैठे लोकां ने बुद्ध नू आत्मा परमात्मा दा विरोधी, अते तीसरे व्यक्ति समय बैठे श्रद्धालुआं ने भगवान बुद्ध नू ज्ञान दिख्या प्रदान करन वाला एक पूर्ण गुरु मन्या होवेगा। परंतु महात्मा बुद्ध जी दा असली सिद्धांत की सी? यही सवाल महात्मा बुद्ध दे शिष्य आनंद दे मन विच पैदा होया। इसलिए उसने महात्मा बुद्ध जी नू सवाल किया कि हे महात्मा जी, आप ए की कर रहे हो? कदे परमात्मा दा मंडन करदे हो अते कदे खंडन? आप दा सिद्धांत की है? आने वाला समा आप दे संबंध विच की कहेगा? तथागत मुस्कुराते हुए कहन लगे, आनंद, तेनू आने वाले समय दी चिंता है, परंतु मैनू ता वर्तमान समय दे जग्यासुआं दी चिंता है। मैं ता तिन्ना दे सवालां दा जवाब देना सी, इसलिए मैं अजिहा कीता। पहला व्यक्ति परमात्मा नू मनदा ही नहीं सी, इसलिए उसनू कहा कि परमात्मा है ते उसकी खोज कर, मेरे इन्ना वचना नाल उसके अंदर उत्सुकता पैदा होवेगी, वह शास्त्र ग्रंथा दा अध्ययन अते चिंतन करेगा, फिर उन्होंने आधार ते एक पूर्ण गुरु की खोज करेगा जो उसनू परमात्मा दे दर्शन करके उसनू उसके लक्ष्य नाल मिला देवेगा। दूसरा व्यक्ति परमात्मा नू मनदा सी, वह सिर्फ मनन तक सीमित सी, उसके बारे जानदा नहीं सी, करम कांड विधि विधान तक उलझ के रह गया सी। इसलिए मैं उसनू कहा कि परमात्मा नहीं है। मेरे इन्ना शब्दां नाल उसकी आस्था नू चोट लगी, हुण ओह जरूर परमात्मा दी होंद नू प्रमाणित करन दी कोशिश करेगा, उसकी खोज करेगा, एक दिन उसकी एक खोज उसनू परमात्मा तक लै जावेगी। तीसरे व्यक्ति की अपनी कोई भी धारणा नहीं सी, इसलिए मैं कल उसनू ज्ञान लिख्या प्रदान करांगा, उसनू आनंद अते शांति दा अनुभव प्रदान करांगा। महात्मा बुद्ध जी दे इस उत्तर नाल आनंद दे सारे सवालां दा अंत हो गया। उम्मीद है आपनू भी इसका उत्तर प्राप्त हो गया होवेगा।